नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव चर्चा में है, तो उतने ही चर्चा में 10 सीटों पर होने वाले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है वो 10 सीटों पर होने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर ही तारीखों का भी ऐलान किया। और मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया है, जिसके बाद एक विवाद छिड़ चुका है। बीजेपी का कहना है कि अरे कुछ मामला फंसा हुआ है, इस वजह से नहीं हो रहा है, कोई याचिका फंसी हुई है, इस वजह से चुनाव आयोग ने डेट नहीं दी है। तो विपक्ष का कहना है कि मिल्कीपुर में हार से बीजेपी डर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मिल्कीपुर सीट इतनी चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर वही सीट है जिसको छोड़कर अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी को फैजाबाद की सीट दिलाई थी लोकसभा चुनाव में। इसके साथ ही साथ अब जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष है, वो अब अवधेश प्रसाद को हर जगह ट्रॉफी की तरह दिखा देते हैं कि देखिए भैया, उद्घाटन आपने किया लेकिन सीट हम जीत गए। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविरल मलिक जी बीजेपी से, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस से, और दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। ठीक है दारा सिंह जी, आवाज आ रही है? आ रही आवाज जी। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी मिल्कीपुर में हार से डर रही है, इस वजह से वो चुनाव टलवा रही है, क्या कहना है इस पे आपका? आपको सच में ऐसा लगता है कि बीजेपी के हाथ में है? सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, चुनाव जो होता है मुद्दों पे होता है, समाज के हित के लिए होता है, देश के हित के लिए होता है, और चुनाव से चुना हुआ नेता जो है वो समाज को कितना आगे बढ़ाता है, देश को कितना बढ़ाता है, ये तय करता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में है और 10 साल पूरे केंद्र सरकार में दूर कर चुकी है। तीसरा चरण उनका चल रहा है, मगर आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो भी घोषणा पत्र में वादा किया था वो वादा पूरा किया? मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पूरा किया होगा। महंगाई के ऊपर इनपे बात करो तो चर्चा नहीं की जाएगी, शिक्षा पर बात क्यों तो उस पर चर्चा नहीं होगी, स्वास्थ्य पे बात पूछ लो तो उस पर चर्चा नहीं होगी। अगर अपराध की बात किया जाए तो कहेंगे नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं, और आप नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं फिर भी अपराध इतने बड़े बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होती है, जो मुखिया होता है। अगर हम उस पर लीपापोती करते हैं तो हमें लगता है कि हम सबसे लापरवाह मुखिया हैं, और जनता उसी को बदल देती है। मिल्कीपुर सीट से लेकर पूरे 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा अहंकार आ चुका है, और वो अहंकार इसलिए आ गया क्योंकि वो केंद्र में तीसरी बार है, इसीलिए वो कुछ छुनते नहीं है। जो दंगा होगा उस पर भी ये लोग अजुल बुजुल बयान देते हैं। आज आप देख लीजिए कि इन्हीं के विधायक, इन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों पर दंगा भड़काने के नाम पर मुकदमा कर दिया। ये बड़ी बात है कि जिस पार्टी ने क्या क्या नहीं बयान दिया कि पहले गुम्मा चले, पहले ये हुआ, फिर झंडा गिराया गया, फिर गोली चली, पता नहीं क्या क्या बोला गया। और आप देख लीजिए, पुलिस द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई थी उसको जो है इनकी ही एक नेत्री है निपुण शर्मा जी, उसके बाद भी उन्होंने देखो भरे मंच से पुलिस को अपमानित किया, प्रदेश की सरकार को अपमानित किया, और अब सार्वजनिक तौर पे वो माफी मांग रही, मगर माफी कहां मांग रही? एक पोस्ट करके। भाई, आपका तो वीडियो पूरे देश में चल रहा है, और वो जब तक रिपीट होता रहेगा सब लोग यही हकीकत मानेंगे कि दंगा जो है ऐसे नहीं ऐसे हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को इस चीजों से बचना चाहिए। देखिए, देश को जो जनता ने आपसे उम्मीद लगाई थी, आप उसमें नकारा निकल गए। आप 69,000 शिक्षक से लेकर पता नहीं कितने लोगों को सड़कों पर बैठा दिया, लाठी चार्ज करा दिया, ये सब आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो जनता आपको 2024 के चुनाव में दिखा चुकी है, और आने वाले समय में आपको जनता एकदम सरकार से बाहर कर देगी, रास्ता दिखा देगी।
ठीक है अविरल मलिक जी, मेरा सवाल आपसे है, गोरखनाथ बाबा जिन्होंने याचिका डाली थी उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है, तो अगर उनको वापस ही लेनी थी तो उन्होंने याचिका डाली ही क्यों, और अगर उन्होंने याचिका वापस ली है तो क्या किसी दबाव में आकर ली है? जी नहीं, देखिए उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था, स्पष्ट उद्देश्य था बाबा गोरखनाथ जी का कि किसी भी प्रकार से वहां उस क्षेत्र की जनता चुनाव से प्रभावित ना हो और किसी प्रकार से वहां की जनता विधायक से वंचित ना हो, मुख्य रूप से उनका यह मानना था और उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने उल्टा लेने का फैसला लिया। और जहां तक बात है दारा सिंह जी जिस प्रकार से बोल रहे थे, तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, देखिए दारा सिंह जी आप इसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उपाध्याय जी भी इसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, चहुंमुखी विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, किसानों का विकास हो रहा है, मजदूरों का विकास हो रहा है, हर तबके को मजबूती मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सबको प्राप्त हो रही हैं, सबकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, किसानों की आय बढ़ती जा रही है और साथ साथ 1-1 लाख रुपए तक का लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण माफ हमने किया, इस विषय को भी देखना चाहिए। और रही बात किसानों की, तो मैं किसानों पर ही टारगेट करके मैं आज चर्चा करता हूं। देखिए दारा सिंह जी आपको मालूम होगा किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो चुनाव लड़े, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खूब खिलाफत की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की खूब खिलाफत की, हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्हें स्पष्ट नतीजा मिल गया 1170 वोट। इसका अर्थ है किसान इन नेताओं पर भरोसा नहीं करता, किसान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करता है, किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारता है और उसके साथ जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं सभी आरोप बेबुनियाद हैं, तथ्यों से परे हैं, तथ्यहीन है, इस प्रकार के आरोपों का कोई आधार नहीं होता है जहां तक। ठीक है अविरल जी, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, वो कह रहे हैं आप हार के डर से वहां चुनाव टलवा रहे हैं। ठीक है अविरल जी किसी वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे फिलहाल, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी। जी जी सर, आपको सिर्फ 10 में से 2 सीटें दी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर और गाजियाबाद और खैर, तो क्या आप 2 में सिर्फ सैटिस्फाइड है, 2 out of 10 में क्या आप खुश है? देखिए मैडम जी, ये सीट का मामला हमारा प्रदेश नेतृत्व तो कई बार स्पष्ट कर चुका है, आज भी हमारे कई चैनलों पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने कहा कि हमने 5 सीट का प्रस्ताव भेजा था उच्च नेतृत्व को, वहां से अभी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ पाया है। अब आजकल में वहां से जो जवाब आएगा उसका जो है हम लोग पालन करेंगे, अगर हमारा नेतृत्व कहता है 2 सीट पर ही चुनाव लड़िए तो हम 2 सीट पर ही लड़ेंगे, नेतृत्व कहता है किसी सीट पर मत लड़िए, हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने 1 भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ी थी, कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, तो चुनाव में हम भी छोड़ दे क्यों नहीं, तो ऐसा अगर कहेगी तो किसी सीट पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन मेरा गठबंधन एकदम मजबूती से बना हुआ है, हम लोगों के कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक आपसी प्रेम और भाईचारा बना हुआ है, हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, चाहे हम 1 सीट पर लड़े, चाहे 2 सीट पर, चाहे किसी सीट पर न लड़े, हम पूरे 10 सीट को मानकर हम लोग चुनाव आपस में लड़ रहे हैं और भाजपा को हराएंगे जी। लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों से खुश नहीं है, वो कह रही है आप ये भी रख लो, कितनी सच्चाई है इस बात में, कांग्रेस पार्टी खुद से कह रही है कि भाई 2 भी मत दो हमें, कितनी सच्चाई है आपको, आपको नहीं, आपको हमारी बात से हम दुखी लग रहे हैं क्या, हम आपसे तो कहने नहीं जा रहे हैं, गठबंधन है, गठबंधन कुछ बाध्यताएं होती है, जो निर्णय हो जाता है उससे में सब कुछ हो जाता है, आदमी का मन मिलना चाहिए, मत मिलना चाहिए, उद्देश्य एक होना चाहिए, निस्वार्थ उद्देश्य होना चाहिए, हम लोगों का निस्वार्थ उद्देश्य है, ये जो सांप्रदायिक पार्टियां है जो है संविधान विरोधी कार्य करने वाली पार्टियां है, संविधान को नष्ट करने वाली पार्टियां है, कानून को नष्ट करने वाली पार्टियां है, किसान मजदूर युवा बेरोजगार सभी के लिए दुखदायक है, ऐसी सरकार को हम हटाना चाहिए जिससे प्रदेश का चौमुखी विकास होना चाहिए, वही हम लोग काम करेंगे, हम किसी प्रकार का हम लोग दुख नहीं है, क्या अखिलेश यादव जी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े 1 सीट पर तो दुखी है, आपको कोई दिखाए तो नहीं दिया कि नहीं दुखी है, तो जब हम लोग नहीं लड़ेंगे तो क्यों दुखी रहेंगे,
हम लोग का उद्देश्य तो है, हम लोग मिलकर हराएंगे भाजपा को, इसमें हराएंगे 2027 में विधानसभा में हराएंगे, इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इनके में देखे संजय निषाद जी नाराज है उधर, अब बताइए उसमें 9 सीट में 2 संजय निषाद जी के विधायक थे, उनको 1 भी सीट नहीं दे रहे हैं। उधर अजीत सिंह जी या जयंत जी महाराष्ट्र में 20-22 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए क्या ओम प्रकाश राजभर जी संजय निषाद की पैरवी कर रहे हैं, उनको सीट मिलना चाहिए। अपने सहयोगियों को 1 भी सीट नहीं दे रहे हैं, एस टी बस आर एल डी को दिया है उन्होंने, वो भी 2 सीट मांग रहे थे। तो इनके सहयोगी हम लोगों में कोई किसी प्रकार का नहीं विवाद है न कोई किसी प्रकार का मन मुटाव है। अरे भाई राजनीति में बड़े उद्देश्य के लिए जनता के हित में कुर्बानियां भी दी जाती है। अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में कुर्बानियां दी, ठीक है हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आया, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कुर्बानियां देंगे, या हमारा उच्च नेतृत्व कहेगा कि चुनाव लड़िए कि चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है सर, अविरल जी मेरा आपसे सवाल है, ठीक है सर अविरल जी मेरा आपसे सवाल है कि विपक्ष कह रहा है कि आप हार से डर रहे हैं इसलिए आप मिल्कीपुर में चुनाव टलवा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? जी नहीं देखिए, ये इसी प्रकार के हास्यास्पद और बेबुनियाद आरोप हमारे ऊपर गढ़ते हैं। जहां तक रही हार की बात, हरियाणा प्रदेश के भीतर क्या नतीजे आए वो दारा सिंह जी को भी मालूम है और उपाध्याय जी को भी मालूम है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने बिल्कुल अभी स्पष्ट किया है और लोकसभा चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तीसरी बार जनता ने अभूतपूर्व ढंग से मोहर लगाने का काम किया है। उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से और वो भी केवल 1 विधानसभा सीट पर चुनाव टलवाएगी, तो असंभव आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, अकाल्पनिक जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, हास्यास्पद ये आरोप लगाते हैं, ये अकल्पनीय है, ये हास्यास्पद भी है और जनता इस विषय को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास के आधार पर काम करती, हमारा यही फॉर्मूला है। सर मिल्कीपुर तो पार्ट बी है, विकास मध्यम वर्गीय लोगों का विकास करते हैं। अविरल जी मिल्कीपुर तो पार्ट बी है, पार्ट ए ये है कि आप कह रहे हैं कि 13 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है इसलिए आप चुनाव ही टलवा दीजिए, 20 तारीख को कर दीजिए। इस पे विपक्ष कह रहा है कि आप ये डिले टैक्टिक्स अपना रहे हैं। देखिए यही विपक्ष के आरोप हैं, अब ये भी टैक्टिक्स हो गया। अब ये उपाध्याय जी और दारा सिंह जी तो कहीं इंग्लैंड के निवासी हैं नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं हमारी तरह, तो इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व होता है वो इन्हें मालूम होगा, इन्हें समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास का जो काम करती है, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रोल मॉडल है, जो एक प्रकार से विकास का मॉडल है, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का जो विकास का डेवलपमेंट मॉडल है उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, और डेवलपमेंट ही हमारा मुख्य मुद्दा है, एजेंडे में है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारा मुख्य मुद्दा है, और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम जनता के मध्य में जाते हैं। गरीबों का हमने विकास किया है, हमने आवास देने का कार्य किया है, हमने शिक्षा देने का कार्य किया है, हमने स्कूल बनवाने का कार्य किया है, हमने जिस प्रकार से विश्वविद्यालय से लेकर एम्स से लेकर मेडिकल कॉलेजेस से लेकर डेवलपमेंट की सूची में अगर जाएं तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से हमने देश का विकास किया। बैंक खाते हमने खुलवाए, जनधन योजना हमने चलाई, उज्ज्वला योजना हमने चलाई, मुद्रा योजना हमने चलाई, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों को स्वीकारना आवश्यक है और जनता स्वीकार रही है और जनता इनके आधार पर ही हमें वोट दे रही है। ठीक है दारा सिंह जी, कोई जवाब है आपके पास इसका? वो कह रहे हैं कोई डीले टैक्टिक्स नहीं है, वो बता रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी। ठीक है हरिनाथ जी, आप इस सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे कि उनका कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो त्योहार है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि गंगा बहती भी उत्तर प्रदेश से ज्यादातर वहां स्थान होता है, तो वो कह रहे हैं कोई डीले टैक्टिक्स नहीं है। देखिए मैडम, ये कार्तिक पूर्णिमा जब चुनाव आयोग घोषणा कर रहा था उस समय भी इनको ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव आयोग से ये पार्टी, क्योंकि चुनाव आयोग इनकी बात होती रहती है, क्योंकि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा कि आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो इन लोग की बात होती रहती है। ठीक है, जैसे हरियाणा में भी ये लोग चुनाव टालते हैं, एक बार में इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे ये कह रहे हैं अभिनव मलिक जी कि हम 1 सीट के लिए, अरे आप तो हरियाणा में चंडीगढ़ में मेयर किए 1 सीट के लिए, क्या क्या नहीं किए, एक का चुनाव का काम किया चंडीगढ़ के मेयर पद का,
आपका जो है कार्यकर्ता जो उसको अधिकारी बनाए हुए थे वो सीधे पकड़ा गया, कोर्ट द्वारा दोषी सिद्ध किया गया। आप जो है आपका एकमात्र उद्देश्य है लोकतंत्र में वोट की चोरी करना, चोरी करना, इसी के माध्यम से आप सरकार बनाते हैं। हरियाणा में आपने चोरी किया, तंत्र का उपयोग करके जिस तरह से निर्णय पर्षद बैठी दिखाई गई, जिस तरह से वहां पर आपने, अब महाराष्ट्र में देखिए, झारखंड में अगर आपको लगता है कि हरियाणा में ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी, तो आपको नहीं लगता आपको कोर्ट जाना चाहिए इसके लिए? अरे हम लोग गए हैं, हरियाणा में ईवीएम खराब है, संविधान नहीं, अगर जनता के साथ कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट पे तो आपको भरोसा होना चाहिए, आपको लेकिन आपको कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। की बात हो रही है, आपने ईवीएम ऑपरेट करने की बात हो रही है, जैसा कि एलन मस्क ने कहा है ईवीएम को हम जो है वो कर सकते हैं, जो है ऑपरेट करने में हम जो है घायल में कर सकते हैं, और हमारे चुनाव आयोग मानते नहीं है। और दूसरी बात इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाए थे सर, अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, संस्था को गलत उपयोग किया। और दूसरी बात मैडम जी, हेलो जी जी बताए, इन्होंने पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में या क्या केंद्र में 10 साल में केवल पुराने सरकारों द्वारा किए गए नाम को बदलने का काम किया है, महापुरुषों को अपमान देने का काम किया है। जिस तरह से अहमदाबाद में सरदार पटेल हमारे जो लौह पुरुष थे के नाम पर बने हुए स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, आज वही कल गए हैं प्रधानमंत्री बनारस में संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदलकर उसको बदल दिया, जो हमारे महान नेता और महान मुख्यमंत्री और उससे बढ़कर काशी का गौरव थे संपूर्णानंद जी, उनका नाम बदलने का काम ये कर रहे हैं। इसका हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करते हैं कि अविलंब ये कान तक उनकी जानी चाहिए कि संपूर्णानंद जी के नाम पर जो स्टेडियम है उसका तृतीया नाम न बदलिए, लाखों लोग को अपमान महसूस हो रहा है, लाखों लोग को नाम बदलने का काम जो है, धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम, और चुनाव के समय 3 महीना 4 महीना जो है पर्ची बांटने का काम करते हैं, पैसे देकर जनता को वोट खरीदने का काम करते हैं, यही काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। इसका जवाब इस विधानसभा चुनाव में चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो, और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, जनता जरूर जवाब देगी। ठीक है, अविराल मलिक जी को एक जवाब तो देने दीजिए सर, हो गया हरिनाथ जी नहीं किया सरकारी, हरिनाथ जी उनको एक जवाब तो दे लेने दीजिए कम से कम, अविराल जी बोलिए जी। नहीं देखिए, जहां तक इनके आरोपों का सवाल है तो आरोपों के जो जवाब है वो जनता स्वयं दे रही है और वोट के माध्यम से दे रही है, और उसी प्रकार से दिल्ली में भी जनता इन्हें भविष्य में जवाब देगी, जहां 70 में 70 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, झारखंड में भी इन्हें जवाब मिलेगा, महाराष्ट्र में भी इन्हें जवाब मिलेगा, और 9 की 9 4 महीना पहले उत्तर प्रदेश में जवाब मिला है आपको मलिक जी, 4 महीना पहले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिला है जवाब, और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव के भीतर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये जितना तय। लेकिन सर लोकसभा में क्या हो गया था, लोकसभा में कहां कमी रह गई आपकी? बिल्कुल, मैं तो हर चैनल पर इस विषय को बता रहा हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हराने का, अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अकेले, मैं बता रहा हूं, अगर कार्य कर पाए तो केवल एक चीज के आधार पर कर पाए और वो है गुमराह करने के आधार पर, इन्होंने जनता को गुमराह किया इससे। सर लेकिन आपने भी तो सोचा होगा ना कि जिस राज्य में आपका मैक्सिमम आपके पास सीटें थी लोकसभा में, इस बार क्या हो गया, सोचा तो होगा आप लोगों ने कुछ? नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं, देखिए एक ही विषय है और वो है संविधान के नाम पर उन्होंने जनता को चुनाव हार जाए तो गुमराह की बात करते हैं सर, लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो आप ईवीएम को हैक करवाने की बात कर देते हैं, ईवीएम में दोष ले आते हैं अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो? नहीं नहीं, देखिए मैं इस विषय को स्पष्ट कर देता हूं, जहां तक इनके आरोपों का सवाल है तो इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि कानून को बदला नहीं जा सकता, संविधान को बदला नहीं जा सकता, इस बात को कर। ठीक है दारा सिंह जी, चुनाव आयुक्त के नियुक्ति आप चीफ जस्टिस को क्या हटा दिए, चुनाव आयुक्त अपने ही लोगों द्वारा 3 लोग मिल गए। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? डॉक्टर हरिनाथ 30 मिनट दारा सिंह जी से एक सवाल ले लेने दें हमें।
सर गोरखनाथ बाबा जो है वो याचिका वापस लेने को तैयार है, लेकिन अब अवधेश बाबू कह रहे हैं कि नहीं सभी पार्टियों की बात सुनी जानी चाहिए, तो अब बीजेपी इस पे कह रही है कि चुनाव लेट बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी कराना चाह रही है, आपका जवाब? देखिए ये देखिए, पहले उन्होंने मुकदमा किया, फिर कह रहे हमको पता नहीं था, फिर कह रहे समाजवादी रोक रही। अरे ये बताइए कि अधिकारी इनके, प्रशासन इनका, पुलिस फोर्स इनकी, सब कुछ इनका है, तो समाजवादी पे किस धार पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है, और मैं पहले भी कह चुका हूं अगर हमारी लोकसभा और सीट पे 80 की 80 सीट आ जाती तब भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, अगर हम 27वीं सरकार भी बना लेते हैं तब भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि देखिए वो मशीन जहां से बनी है वहां के लोग भी बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो ये हमको बता दे, मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा से, ये कह रहे हैं कि तुमने जनता को गुमराह कर दिया, भाई भाजपा ने क्या किया? 15 लाख का लॉलीपॉप किसने दिया? भाजपा ने दिया। अच्छे दिन के ख्वाब किसने दिखाया? भाजपा ने दिखाया। बिजली फ्री करने का कौन तो लॉलीपॉप दिया था? भाजपा ने दिया था। और जो ये फ्री में राशन की बात कर रहे हैं, आपने फ्री राशन दिया, चलो हम मानते हैं, आपने किसानों की 10 किलो खाद खा गए, मट्टी तेल खा गए, वैक्सीन में चंदा खा गए, कफन खा गए कोरोना काल में। आप बताइए जो व्यक्ति कफन तक का शुल्क वसूल लेता हो वो जनता के हित में कहां बात करेगा, समाज के हित में कहां बात करेगा? आप बता रहे हैं, आप हमसे चलिए बता दीजिए आप कितना, आपकी जो शिक्षा में कितना पैसा आपने खर्चा किया, अस्पतालों में कितना पैसा दिया, और ये जो पैसा दिया वो पारित हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद आप कहते हो कि इतना पैसा बच गए, और उधर से आपके वीडियो भी आते हैं कि एम्बुलेंस में धक्का लगाया जा रहा, स्टेशन पे मरीज खत्म हो जा रहे हैं, बिजली विभाग वालों के चक्कर में लोग मर रहे हैं, आज अयोध्या में 5 बंदर खत्म हो गए उसी बिजली के करंट से लगने से। तो देखिए भाजपा जो है अपना जो है ये क्लियर कर दे कि वो देश के साथ है या नहीं, अगर नहीं है तो साफ साफ बता दो कि भैया हमें तुम वोट देते रहो, हम सत्ता पाते रहेंगे, हम अदानी अंबानी को अमीर बनाएंगे, गरीब चाहे मर जाए चाहे सुसाइड कर ले। आए दिन आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के बाद पुलिस प्रशासन सुनता है, एसडीएम सुनता है, डीएम जानता है, नहीं सब सो जाते हैं। आप बताइए अगर हम बस्ती जिला में रहते हैं और हमारा वहां का प्रशासन अगर हमारी कार्रवाई नहीं करता है और मैं लखनऊ में आकर आत्महत्या करता हूं, तो ये किस कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी है, और इसको मानना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप समाजवादी पार्टी पे आरोप पिछले 7 सालों से लगा रहे हैं, भाई 7 सालों में अपने काम गिनाओ ना, आपको जनता ने चुना है, आप अपने काम क्यों नहीं गिनाते? आरोप पे आरोप, वही फूफा बुआ वाला, किस भतीजे के साथ ही है, कभी बुआ नाराज हो रही तो कभी फूफा नाराज हो रहे। अरे फूफा और बुआ नाराज वाला काम खत्म कीजिए, भाई दूल्हा तुम हो, बराती तुम लेके जा रहे हो, तुमको नहीं पता कि हमारे साथ बराती कितने? भैया टेलीविजन चैनल में क्या शादी की आप बात कर रहे हो, कहाँ फूफा नाराज कहाँ बुआ नाराज, आप मुद्दे की बात करो। देखिए जहाँ तक मुद्दे मुख्यमंत्री नाराज हो जा रहे, तो इसमें जनता का हित कहाँ हो रहा? आप बताइए बार बार ही, उत्तर प्रदेश का हित कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है? देखिए जनता का हित हर स्थान पर हो रहा है, और जनता का हित सुनिश्चित करने का कार्य यदि कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार जिस प्रकार से गरीब की सेवा कर रही है, मध्यम वर्गीय लोगों की सेवा कर रही है, किसानों की सेवा कर रही है, चाहे फसल बीमा योजना को चलाने की बात हो, मुद्रा योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक की आप बात कीजिए, तमाम योजनाओं और वही 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाले पे घोटाला, अविनाश जी मेरा एक सवाल था आपसे, अविनाश जी 8 साल तक केवल घोटाले होते रहे। अविनाश जी मेरा एक सवाल है आपसे, अवधेश प्रसाद जिनको विपक्ष एकदम ट्रॉफी की तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि देखो भैया आपने उद्घाटन करवाया लेकिन सीट हम ले आए अयोध्या की, तो आपको लगता है कि शायद अगर मिल्कीपुर से, क्योंकि वो विधायक भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि शायद आपके लिए मिल्कीपुर एक वीक पॉइंट है? जी नहीं, देखिए जहां तक मिल्कीपुर वीक पॉइंट होने का विषय है तो किसी कार का वीक पॉइंट मिल्कीपुर नहीं है, बात को जान लेना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, हर स्थान पर मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ग्राउंड पर उतर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। सीधा संवाद हमारा जनता के साथ है, वो सबको नजर आ रहा है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, इसी कारण से कांग्रेस पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। यही बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी के भीतर, जिस कारण से, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है, गरीब गुरबे की सेवा कर रही है, किसानों का कल्याण कर रही है। हम जनधन योजना चलाते हैं तो गरीब के लिए चलाते हैं, लोगों के लिए चलाते हैं। ये लोग जनता के लिए नहीं जीते हैं, हम लोग जनता के लिए जीते हैं। हम लोग सत्ता में डॉक्टर हरिलाल जी, मलिक जी, एक बात को स्पष्ट रूप से आप भी जानते हैं, और मलिक जी, जनता का फायदा जनधन से कहते हो, मलिक जी, हरिलाल जी, जनधन से जी जी सर, क्योंकि आपका गठबंधन है, इंडिया अलायंस है आपका, तो आप उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश के में जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, आप किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? अरे मैडम जी, हम लोगों का इंडिया गठबंधन का मुद्दा तो पहले से ही है, जो हमारा लोकसभा में मुद्दा था, संविधान का संरक्षण, महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार देना, जो भी पद खाली है उसको रोजगार देना, आरक्षण का पालन करना, हर नियुक्ति में जो बैकलॉग है उनको भरना, महिलाओं की सुरक्षा का, हमारा किसानों की आय को बढ़ाना, उनके लोन को माफ करना, और कानून व्यवस्था को निष्पक्ष होकर कानून के तहत संविधान के सम्मत बनाना, और निष्पक्ष होकर सब जो है अपराधी जो है उनके साथ एक समान अपराधी व्यवहार करना है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। हमारा यही उद्देश्य, हमारा यही मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा महंगाई को कम करना है और बेरोजगारी को दूर करना है, युवाओं को अच्छी शिक्षा दिया जाए, उनको अधिक से अधिक जितने भी पद खाली है तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको भरना, और स्थानीय स्तर पर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां की जो स्थानीय समस्याएं है, वहां की परिस्थिति विशेष को ध्यान में देखकर उसको दूर करना, हमारा यही मुद्दा है। मेन मुद्दा यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, किसानों जो उन देश उत्तर प्रदेश में तो है, ये देश में कई किसानों की आत्महत्याएं का प्रतिशत काफी बढ़ गया है, बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ गया है, महंगाई अपरंपार है, मुद्रा का मूल्य लगातार गिर रहा है, ठीक है, जिस तरह से और उद्योगपतियों की आय बढ़ रही है, अभी सर्वे आया है, गरीबी और अमीरों के बीच असमानता यानी खाई और बढ़ती जा रही है, उसको काटने की जरूरत है, गरीबों के पास पैसा देने की जरूरत है, अमीरों से अधिक टैक्स और अन्य माध्यम से लेने की जरूरत है, और गरीबों तक वो पहुंचे मुद्दा को गतिशील बनाने की जरूरत है, जो इन्होंने 40 लाख करोड़ का कर्ज था, 2-3 लाख 4 लाख तक करोड़ पहुंचा दिया इन्होंने, कर्ज 4 गुना लगभग कर्जा इन्होंने पहुंचा दिया, उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे, आयात निर्यात को समान बनाने का प्रयास करेंगे, यही तमाम मुद्दे जो हमने पहले आजादी के बाद से करते आ रहे हैं वही फिर करेंगे, हमारा यही मुद्दा है। ठीक है, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो गोरखनाथ बाबा है उन्होंने अपनी याचिका अब वापस ले ली है, लेकिन अब अवधेश प्रसाद जो वहां से मिल्कीपुर से जो विधायक थे वो कह रहे हैं कि नहीं, सभी पार्टियों की बात सुनी जानी चाहिए। इस पे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव में मिल्कीपुर में तारीखों में देरी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी करा रही है। ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।